करीब तीन दशक से मुस्लिमों के सहारे राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी पर इस बार मुसलमानों की बड़ी आस्था बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। शाहबुद्दीन रिजवी का आरोप है कि राम मंदिर और सीएए के नाम पर सपा के कुछ नेता मुस्लिम युवाओं को बरगरा रहे हैं और उन्हें भड़का रहे हैं। रिजवी ने पत्र में आगे ये लिखा है कि सपा के कुछ नेता यूपी का माहौल खराब करने की योजना भी बना रहे हैं, लिहाजा ऐसे अराजक तत्वों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाए। आरोप के बाद सियासी पारा उबाल पर है। क्या समाजवादी पार्टी के नेता मुसलमानों को भड़काने और बरगलाने में जुटे हैं? क्या मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहे हैं? क्या मुस्लिमों का सपा से मोहभंग हो रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुस्लिमों की बड़ी संख्या ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि सपा के नेता आम मुसलमानों को भड़काने में जुटे हैं। सीए को लेकर के पूरे देश और प्रदेश भर में आंदोलन हुए थे और उसमें अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि 27 मुस्लिम नौजवानों की जाने जाए हुई थी। फिर ऐसा ही माहौल सपा के लोग खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिख करके अवगत करा दिया है। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें मौलाना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा के कुछ नेता सीएए और राम मंदिर के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। पत्र में मौलाना ने आगे ये भी लिखा है कि सीएए को लेकर प्रदेश का माहौल फिर से बिगाड़ने की योजना बनाई जा रही है और इस योजना में सपा के कुछ लोग शामिल हैं। मौलाना ने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी के लोग सीएए कानून को लेकर के उत्तर प्रदेश के नज्म व नस्क को धरम बरहम करना चाहते हैं और वो मुसलमानों के दरमियान वरगला कर बहका कर भड़का कर आंदोलन करना चाहते हैं। उधर मौलाना के आरोपों पर सपा का भी बयान आया है। सपा ने आरोपों को इनकार करते हुए कहा है कि इस तरह की बयानबाजी चुनावों के लिए की जा रही है। मुझे लगता है कि मुस्लिमों के प्रति सबसे ज़्यादा भड़काऊ और नकारात्मक बयान देने वाले भी भाजपा के लोग हैं और इस तरह के नेता जो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो केवल और केवल भाजपा के एजेंट के रूप में सक्रिय रह करके भाजपा को मुस्लिमों का वोट कैसे मिले उसी दिन रात दिनचर्या में लगे हुए हैं कि उनको किसी तरह से भाजपा को मुस्लिमों का वोट दिलाना है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट सपा का कोर वोट माना जाता है। बीते दो चुनावों में भी करीब 90% मुस्लिमों का वोट सपा के पाले में गया था। ऐसे में मौलाना शाहबुद्दीन की तरफ से लगाए गए आरोपों ने सपा की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।